नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं अपना खुद का प्यारा सा चैनल एक टेक वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे गूगल पे की, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि गूगल पे में आप अपने अनलिमिटेड बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं करूँगा गुजारिश कि जो मेरा एक टेक वीडियो चैनल चल रहा है उसके नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है आपको उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में एक बेल का आइकन है आपको उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। उससे होगा ये कि मैं अगर आपके लिए कोई भी टेक्निकल वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। और दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको गूगल पे पर, जहाँ पर मैं आपको अपनी अर्निंग भी दिखाऊँगा कि मैंने यहाँ पर कितना कमाया है। और गूगल पे में बहुत सारे कूपन हमें दिए जाते हैं जो हर मंडे को आते हैं, और 5-7 हमें कूपन दिए जाते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ हमें रिसीव होता है। अगर नहीं भी होता है तो क्या, क्योंकि हमने तो पेमेंट का लेन देन करना ही होता है। वैसे भी हमने इसमें बहुत सारे पैसा कमाया है। मैं अभी पहले आपको अपनी अर्निंग दिखा देता हूं और उसके बाद मैं आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करके दिखा देता हूं। तो यहां पर ये देखिए, ये गूगल पे अकाउंट है, यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं और मैं गूगल पे ओपन कर लेता हूं। और यहां पर मैं अपना पासवर्ड लगा देता हूं, जो हमने जो लॉगिन पिन लगाया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर मैं अभी दिखा देता हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए हमारे जो रिवार्ड हैं, ये रिवार्ड हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ कि हमने इसमें से कितना पैसा कमाया है। ये देखिए दोस्तों, 6500 शेयर पे हमने इसमें से जो कमाई की है। और देखिए ये हमारे कूपन है जो कभी कभी आते रहते हैं, कभी कितने 8-10 ऐसे आते ही रहते हैं ये तो। और मेरी जो हाईएस्ट इसमें हमें कूपन मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं 900 के प्लस मिला है, वो मैं अभी यहाँ पर आपको ढूंढ के दिखा देता हूँ कि आप, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें से पैसे नहीं मिलते। ये देखिए 116 रुपये पर आ रहा है, और ये देखिए अभी 123 रुपये ये भी आ रहा है, और ये देखिए अभी इतने सारे हमें कूपन मिले हैं। दोस्तों आप सोचेंगे नहीं कि आप कोई इसमें से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। और ये देखिए 748 रुपये इसके बाद हमें मिला था, और अभी मैं आपको ढूंढ के दिखा देता हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, प्लीज़ बोर मत होइएगा, क्योंकि आपको प्रूफ दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप कुछ मेरे भाई ये समझते हैं कि इसमें से कुछ नहीं मिलता है, तो मैं उनके लिए ये प्रूफ दिखा रहा हूँ। वैसे मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको बताऊं कि बैंक अकाउंट अनलिमिटेड इसमें आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर भी होगा, ये रहा। और दोस्तों ये देखिए, ये हमने 912 रुपये इसमें से जीते हैं जो 14 सितंबर को, और ये आपको दिख रहा होगा ये 14 सितंबर है, इसमें हमने जीते हैं। और दोस्तों अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि गूगल पे वाकई में पैसे देता है। और अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको डाउनलोड करते ही 51 रुपीज़ तो आपके अकाउंट में आएंगे ही आएंगे अगर आप फर्स्ट टाइम इसको डाउनलोड कर रहे हैं तो। और दोस्तों उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि आपने लॉगिन कैसे करना है और आपने ये गूगल पे कैसे बनाना है। फिलहाल आज के हमारा टॉपिक है कि हम अनलिमिटेड बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चेक अकाउंट पे जाते हैं, यहाँ पर देखिए हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, और उसके बाद हम अभी मैं आपको बैंक अकाउंट ऐड करके बताता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको जिसका गूगल पे अकाउंट बना हुआ है उसको यहाँ पर चले जाना है, यहाँ पर जो हमारा लोगो बना हुआ है, और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस तरह के आपका पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, और यहाँ पर ये देखिए आपका मोबाइल नंबर जहाँ से आपने बनाया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा बैंक अकाउंट दिया हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे 3 ऑलरेडी बैंक यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, और ये देखिए अभी मैं इसमें एक और बैंक जो यहाँ पर ऐड करके बता देता हूँ, और मैं यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पर पूछे क्या कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर जैसे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका
यही नंबर है वेरीफाई कर रहा है जो आपने इस मोबाइल में डाला हुआ है, हाँ यही नंबर है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि आपने बैंक अकाउंट में जो नंबर उसमें दिया होगा वही आपका इस मोबाइल में भी नंबर होना चाहिए, तभी आप ये सब कर पाएंगे, वरना आप बैंक अकाउंट नहीं ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर 1 रुपये 20 पैसे हमारे कट चुके हैं मैसेज के, और यहाँ पर फाइंडिंग कर रहा है, ये देखिए हमारा बैंक अकाउंट आ चुका है। और यहाँ पर मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर हमने एक्सपायर डेट डालनी है, और यहाँ पर मैं अपने कार्ड की एक्सपायर डेट डाल देता हूँ, और यहाँ पर सॉरी कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट, और यहाँ पर मैं एक्सपायर डेट दोनों डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर नीचे यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्रिएट पिन मैं कर लेता हूँ, क्योंकि हमने इसका जो UPI पिन लगाना है। यहाँ पर अपने आप OTP आ जाएगा, और हमने यहाँ पर OTP फिल करना है, और नीचे सेट UPI पिन अपने जो आपको याद रहे हमने वो लगा देना है। अभी कुछ सेकंड में मैसेज आ जाएगा, और मैं उसको यहाँ पर OTP फिल कर लेता हूँ, 375573। और यहाँ पर देखिए ये UPI जो OTP लग चुका है, और यहाँ पर मैं UPI पिन सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं राइट पे क्लिक करता हूँ, फिर से कंफर्म पिन मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पर फिर से राइट कर देता हूँ, और ये देखिए हमारा ये बैंक अकाउंट जो ऐड हो रहा है। हमें ये देखिए SMS भी आ चुका है यू इज सक्सेसफुली, और क्योंकि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो ऐड हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है। और ये देखिए राइट क्लिक हो चुका है, और सक्सेसफुली इसमें ऐड भी हो चुका है, और हमें SMS फिर से आ चुका है। और अब ये हमारा जो प्राइमरी है, यहाँ पर प्राइमरी का मतलब ये है कि आप अगर गूगल पे किसी को अपना नंबर देते हैं तो आपका जिस पे ये प्राइमरी लिखा होगा आपके उसी बैंक अकाउंट में ये पेमेंट जाएगी। अगर आपको इसको चेंज करना होगा तो आप ऊपर जाकर यहाँ पर किसी पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर सेट जो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पे जो लिखा हुआ है सेट एज प्राइमरी अकाउंट, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये उस पर ये प्राइमरी अकाउंट बन जाएगा। और ये देखिए अभी ये HDFC हमारा प्राइमरी अकाउंट हो चुका है, जब भी हम उसको गूगल पे अपना नंबर देंगे तो वो इस अकाउंट में पेमेंट चली जाएगी। और दोस्तों इस तरह से आपने अपना जो अनलिमिटेड जो बैंक अकाउंट उसमें ऐड कर लेने हैं। और दोस्तों अगर आपको फिर भी मैं बता दूं कि अगर आपको ये ऐप में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उसके लिए ये वीडियो अलग से बना दूंगा कि आपने इसमें अपना जो UPI पिन कैसे बनाना है, और अपने जो गूगल पे अपना अकाउंट उसमें कैसे क्रिएट करना है। और दोस्तों आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि मैं जो हमने आपको ये बातें बताई हैं, आप इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट करेंगे और मैं उसका आपको रिप्लाई भी दूंगा। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।